नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिमोना शर्मा और आप देख रहे हैं जीटी रोड 10। लगातार 10 खबरें देश भर से। एक अजब चोरी जिसमें ट्रक का कैबिन ले गए चोर, लेकिन टैंकर वहीं छोड़ गए। जी हां, जितेंद्र सिंह हैं, झज्जर हरियाणा के रहने वाले, जो इस गाड़ी के मालिक हैं, जो इन्होंने कुछ महीने पहले ही नई खरीदी थी। लेकिन 23 अप्रैल को उनकी गाड़ी से कैबिन चोरी हो गया, जिसकी आखिरी लोकेशन नवादा हरियाणा में पाई गई थी। उसके बाद से कुछ नहीं पता चल पाया। इसके लिए FIR भी दर्ज करवाई गई। यदि इस गाड़ी के बारे में किसी को भी कोई भी जानकारी मिले तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर जरूर बताएं। गाड़ी में अचानक लगी आग, ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। करनाल से शामली उत्तर प्रदेश जा रही गाड़ी, जो अचानक ही बिजली की तारों से टच हुई, जिसकी वजह से गाड़ी में लोड गेहूं की बोरियां जल गई। और जब ये बोरियां नीचे गिरने लगी तो डीजल की टंकी में भी आग लग गई। गनीमत रही कि ड्राइवर ने पूरी गाड़ी जलने से पहले ही एक होटल पर अपनी गाड़ी रोक दी। वहां मोटर चलाकर पानी से आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गाड़ी में आप देख सकते हैं किस तरीके से माल भरा हुआ है। पूरी की पूरी गाड़ी गंदगी में सन्न है और ड्राइवर के द्वारा ये सुझाव दिया गया है कि इस तरीके से गंदगी फैलाने से वो पब्लिक से पिट सकता है। गाड़ी से सामान ले उड़े चोर, कहां की घटना है आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि आप भी अगर हमें कुछ वीडियोस भेजना चाहते हैं तो ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में मौजूद ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन के चैट सेक्शन में जाकर आप हमें वीडियोस सेंड कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप से गाड़ी का बीमा सस्ता भी और जल्दी भी, तो अभी डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। गाड़ी से सामान हुआ चोरी, हरकत हुई कैमरे में कैद। बुंदेलखंड झांसी में दुकान के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी, जो कि दुकान का सामान लेकर आई थी। दुकान के कैमरे में चोरी की घटना कैद हो गई। आप देख सकते हैं कितनी चालाकी से चोर चोरी कर रहा है। इसके बारे में आकाश गुप्ता ने हमें ये बताया है कि उसकी गाड़ी से पर्स, ID प्रूफ और कपड़े चुरा लिए गए हैं। यहाँ तक कि इस चोरी की पुलिस तक ने कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं की है, ऐसा बताया आकाश गुप्ता ने। इसको बोलते हैं लापरवाही। अब ये बताओ, अगर ये माल किसके ऊपर गिर जाए, किसी को जाने नुकसान हो जाए, फिर उसका जिम्मेदार कौन है भाई? थोड़ा सा बच रहा है वैसे माल गिरने में भाई। अभी कहीं पे फेंका, जैसे गाड़ी में एकदम से कट आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो ये माल गिरेगा, गाड़ी भी गिरेगी साथ में। इसे लापरवाही ना कहें तो क्या कहें? आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ी टेढ़ी चल रही है। ये ड्राइवर के लिए तो खतरा है ही, लेकिन साथ ही साथ बाकी लोगों के लिए भी ड्राइवर इस तरीके की हरकतें कर खतरा पैदा कर रहा है। ये वीडियो है होसपेड रोड चित्रदुर्गा कर्नाटका की। ये वीडियो हम तक रिस्की राज द्वारा पहुंचाई गई है। भागलपुर शहर में पुलिस कर्मी और ई रिक्शा चालक में हुई जबरदस्त झड़प, इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वर्दी वाला पुलिस अपनी वर्दी का रोब झाड़ता हुआ नजर आ रहा है और ई रिक्शा चालक पर अपनी गुंडागर्दी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। चालक का कहना है कि सच्चाई से कम आते हैं, जिस पर पुलिस कर्मी अपनी बात से बिल्कुल ही हटकर ये कहता है कि हम तुमको कहां मारे हैं। ये घटना बिहार की बताई जा रही है। ई रिक्शा चालक का ये तक आरोप था कि पुलिस कर्मी ने उसे लाठी से पीटा है। ड्राइवर के सिर पर इससे चोट भी आई है। आखिर ये कैसा रवैया है पुलिस कर्मियों का? ले टेंशन मतलब कहा नहीं, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहीं को प्राधिकरण हो रो, कहा फायदा हो रो या ड्राइवर लो, ये बताओ आप मुझे। और किसी को भी सामान को उठा के ले जा सकता है, टायर को, बैटरी को, डीजल को, किसी को भी। देख लो ये गाड़ी खड़ी है हमारी, ये देख लो H4 38 SC 95 07 फोकट का रुपए ले रहे हैं ये डेली का, 300 रुपया डेली का। कासना ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश की ये घटना बताई जा रही है, जहाँ पर माल लोड करने आई गाड़ियाँ बाकी गाड़ियों की तरह रोड साइड पर खड़ी थी, क्योंकि वहाँ पर पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है। लेकिन ड्राइवर से हर रोज 300 रुपए पार्किंग के नाम पर लिए जा रहे थे।
पार्किंग के ठेकेदार के आदमी से परेशान होकर ड्राइवर अलीजान खान ने हम तक ये वीडियो पहुंचाया है और ये बताया है कि कंपनी में पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है, ऊपर से खाने पीने तक की परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ती है। वैसे भी ड्राइवर को हर जगह टैक्स देना ही पड़ता है, अब पार्किंग पर्ची के लिए भी क्या जगह जगह पैसे भरे क्या? लगता है इसी की कमी रह गई थी। आगरा रोड मेवात हरियाणा की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर नीम की वजह से गाड़ी अनियंत्रित होकर आगे चल रही गाड़ी से जा टकराई, जिसमें एक चालक की जान चली गई और दूसरा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर लोगों की भीड़ लग गई और घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। ये टोल है गोपीगंज, डेढ़ घंटे पहले हमारे फास्टैग में रिचार्ज हुआ था, उसके बाद हम इलाहाबाद बाईपास क्रॉस कराए, वहाँ पे भी दो टोल पड़ते हैं, वो दोनों टोल कट चुके। गोपीगंज में आए तो इनका ये वो दिखा रहा है ब्लैक लिस्ट, फास्टैग ICI में फास्टैग वालों से बात की, वो कहते हैं कोई ब्लैक लिस्ट नहीं है, आपके फास्टैग में अवेलेबल बैलेंस है, आप टोल में जाइए कटेगा। अब ये लोग यहाँ सर बदतमीजी करने लग रहे हैं, डेढ़ घंटे से गाड़ियाँ खड़ी हैं, सर इसका कोई सोल्यूशन निकालिए, बदतमीजी और करने लग रहे हैं, इसका कोई समाधान निकालिएगा। गोपीगंज टोल पर डेढ़ दो घंटे खड़े रहने के बाद ड्राइवर ने ये कहा, जिस पर टोल कर्मियों का ये कहना था कि ड्राइवर की गाड़ी ब्लैक लिस्ट थी, जबकि ड्राइवर ने फोन कर अपने बैंक में इस बारे में बात भी की और उन्होंने ये बताया कि उसमें बैलेंस था, लेकिन टोल कर्मी कहां मानने वाले थे। जिसके बाद ड्राइवर के सब्र का बांध टूटा और उसने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद टोल कर्मी कहने लगे ठीक है ले जाओ गाड़ी, और उसके बाद उन्होंने फास्टैग से बैलेंस भी काट लिया, जिसके बाद ड्राइवर का ये कहना था कि ऐसे कर्मियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ना भाई तेरी ईमानदारी तेरे साथ है, तूने हमें फोन करा यहाँ तक बुलाया, तो बात नहीं भाई, एक ने मैं 10 बार मेरे पास मिला है, मैं 10 को सामान सारा दिया हूँ मैंने भाई, अगर मेरे में चोरी होती जहाँ गिरा था ना पर्स, बुढ़िया जो ट्रैक्टर लगा हुआ कोने में वहाँ, मैं उसको बोला पर्स मिला वहाँ, चार लड़के आ रहे, बोले क्या मिला, मेरा कुछ नहीं मिला, मैं उस बुढ़िया को बोला अगर कोई पर्स ढूंढते हुआ है मैंने अपना नंबर दे गया। ड्राइवर ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। ड्राइवर है विपिन कुमार, जो गाड़ी अनलोड करने फरीदाबाद हरियाणा गए हुए थे और वापसी पर उन्हें रास्ते में एक पर्स गिरा हुआ मिला, जो वहाँ के किसी लोकल व्यक्ति का था। वहाँ के लोगों की मदद से उसने उस व्यक्ति को वो पर्स लौटाया और उन्होंने ये भी कहा कि वो चेक कर ले कि उसमें सारा सामान है भी या नहीं। उनकी इस ईमानदारी के लिए उस व्यक्ति ने उन्हें अपना आभार व्यक्त किया है। आप देख रहे थे GT Road 10, लगातार 10 खबरें देश भर से। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ट्रांसपोर्ट TV देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जुले मैं कुंगांग जो स्पीति हिमाचल प्रदेश से। मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस 2-3 साल से ट्रांसफर मॉल से कराया है। ट्रांसफर मॉल से इंश्योरेंस कराना काफ़ी आसान और फ़ायदेमंद है। ट्रांसफर मॉल से इंश्योरेंस कराने पर मुझे हर साल 3-4 हज़ार का फ़ायदा होता है और यहाँ से इंश्योरेंस कराने आसान है और इंश्योरेंस में क्लेम लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मेरा आप सभी से अनुरोध है अपना इंश्योरेंस ट्रांसफर मॉल से ही कराएं, जो कि काफ़ी आसान है। ट्रांसफर मॉल जो कि ट्रांसपोर्ट गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए सबसे अच्छा है, और ट्रांसफर मॉल के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के सभी गाड़ियों का हमेशा मदद करते हैं। धन्यवाद।